ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिरी तक देखना। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो BGR एनर्जी सिस्टम लिमिटेड है, शेयर के अंदर बहुत बड़ा ऑर्डर आने के बाद भी शेयर इतनी तेज़ी से नीचे क्यों गिरा है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी बहुत सारी न्यूज़ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो अपडेट क्या है, उसके बाद कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने BGR एनर्जी सिस्टम लिमिटेड शेयर ओपन किया हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा और एक दिन पहले ही एक अपडेट आई है। इस अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, डेट आप देखिए 12 दिसंबर 2022 की है। यहाँ पर कंपनी साफ साफ लिखती है कि उनको ये बताकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क के लिए पानीपत रिफाइन प्रोजेक्ट मिला है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इनको 330 करोड़ मिलने वाली है विद GST के साथ, और इस कॉन्ट्रैक्ट को ये कंपनी 18 महीने में पूरा करने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी के हाथ में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत होंगे और जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी प्रॉफिट्स मिलने वाला है। ये पूरा सिनेरियो है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से शेयर इंक्रीज हुआ है। और अगर इंक्रीज़ की ही बात करें तो आप इधर देखिए, 5 दिन के अंदर शेयर सीधा 13% बढ़ा है। जहां शेयर की कीमत लगभग 70 रुपये की हुआ करती थी, वहां शेयर आज आपको 78 रुपये का देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में शेयर के अंदर बहुत तेज़ी से डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके पीछे का एक सॉलिड रीज़न यही है कि लोग जब 70 रुपये पे इस कंपनी में निवेश किए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही आता है, क्या कंपनी अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पा रही है, क्या इन्वेस्टर्स इस कंपनी में होल्ड करेंगे? इसके लिए हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे। बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है, कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस क्या कहते हैं, और पूरा डेटा क्या कहता है कंपनी को लेकर। मैं आपको बता दूं, जो ये कंपनी है, पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस का ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी 566 करोड़ की है। अब तो आपको शायद आइडिया लग ही गया होगा कि क्यों इतनी तेज़ी से शेयर बढ़ा। इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न यही है कि 566 करोड़ की कंपनी को सीधा 330 करोड़ का ऑर्डर मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का माइनस में चल रहा है, -27.4%। यहाँ पर ये कंपनी डिविडेंड इलाइड कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, कंपनी के ऊपर 1909 करोड़ का कर्ज है, और ये बात मैं बहुत ही नेगेटिव बात है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 5.31% है। इसीलिए लोगों ने शेयर के अंदर एंट्री करी, प्रॉफिट बनाया और प्रॉफिट को बुक करके शेयर को फिर से सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सबको पता है, जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनियां होती हैं, अगर उन पे कर्ज ज़्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। वही प्रोज और कॉन्स के मामले में भी आप देख सकते हैं, कंपनी के कॉन्स बहुत ही ज़्यादा हैं और प्रोज बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है, ये आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का माइनस में चल रहा है, यानी कि अदर बैंक से कंपनी लोन भी नहीं ले सकती। कंपनी की सेल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा कम है, -18.7% का डाउनफॉल चल रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की, और कंपनी के ऊपर कंटेंजेंट लायबिलिटी भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है, अगर वो कंपनी हार जाती है तो कंपनी को 856 करोड़ पे करने होंगे, और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक तो कर्ज बहुत है, दूसरा कंपनी के ऊपर कंटेंजेंट लायबिलिटी भी है। एक और सबसे नेगेटिव बात सामने आती है, वो है प्रमोटर प्लेजेस, यानी कि प्रमोटर्स ने शेयर को गिरवी रखा हुआ है, वो भी 40% के आसपास। तो ये और हमें बहुत बड़ा झटका देता है। कंपनी हैज़ हाई डेबिटर डेज, और ये एक और बहुत बड़ा झटका, यानी कि 218 डेज। जब भी कंपनी किसी का काम करती है तो उसको जो पैसे निकालने में जो टाइम लगता है, 218 डेज लग जाते हैं। इसका मतलब कंपनी के पास कैश आ नहीं पाता, और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाता है। तो इन सब को देखने के बाद हम ये भी देखते हैं कि कंपनी क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी हर 3 महीने में कंपनी कितना पैसा बना रही है। सब कुछ काट पीट के, टैक्स, अदर इनकम, इंटरेस्ट, सब कुछ काट पीट के जो कंपनी के पास पैसा बचता है,
सितंबर 2022 के डेटा के अनुसार -122 करोड़, वो भी लॉस में। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी कंपनी नेगेटिव रिप्रेजेंट हो रही है। वहीं बात करते हैं कितनी छोटी कंपनी, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कितने परसेंट की होल्डिंग ले रखी है, मैनेजमेंट FII ने कितने परसेंट की होल्डिंग ले रखी है। तो जैसे ही मैं इन्वेस्टर पे चलता हूँ तो यहाँ पर जो डेटा काफ़ी चौंका देने वाला नज़र आता है। प्रमोटर 75% है जो कि लाजवाब है। FII 0.25 है, हाँ कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, लेकिन 0.80 से घटकर 0.25 हुई है। DII 0.26 थी, अभी भी 0.26 है, लेकिन DII का अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कभी इस कंपनी के अंदर 1.44% हुआ करती थी DII। तो यहाँ पर हमें ये तो नज़र आता है कि प्रमोटर ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इन्होंने 40% से ज़्यादा शेयर्स को गिरवी भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो बातें हैं ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। ओवरऑल जितना भी रेशोस हमने देखा, जितना भी डिस्कस किया, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही नज़र आते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको ये एनालिसिस ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर हम कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेसेस, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ और कंपनी के थ्रेड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की तो एक अपॉर्चुनिटी है, यानी शेयर आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है, PE 10 से भी नीचे है, तो कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है जो ये कंपनी है बहुत अच्छा फ्यूचर में करने वाली है, तो बिल्कुल सही टाइम है इस कंपनी के शेयर के अंदर एंट्री करने का। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको कुछ चीज़ें और देखनी चाहिए, जैसे 10 कंपनी के अंदर वीकनेसेस हैं और एक ही स्ट्रेंथ है। ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस बिल्कुल भी गवाही नहीं देता कि आप इस कंपनी के अंदर एंटर करें। चलिए वीकनेसेस देखते हैं। जहां पर लो पाइट्रोसिक स्कोर है, यानी कंपनी फाइनेंशियल काफी ज्यादा वीक है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी कर रही है, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का रेवेन्यू नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, बुक वैल्यू कंपनी की 2 साल से डिक्रीज हो रही है, क्वार्टरली रिवेन्यू कंपनी के डिक्रीज हो रहे हैं, रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां भी डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला। ओवरऑल कह सकते हैं कि सभी वीकनेसेस काफ़ी ज़्यादा मेजर हैं और इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर, वो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा है। और आपको पता है ये मोमेंटम कंपनी के अंदर क्यों आई है। ये मोमेंटम सिर्फ इसलिए आई क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस कंपनी को अपना प्रोजेक्ट दिया है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी वजह से स्ट्रेंथ हमें इधर देखने को मिल रही है। जैसे ही शेयर प्राइस नीचे गिरेगा तो ये स्ट्रेंथ इधर से चली जाएगी। तो कह सकते हैं कि भाई शॉर्ट एनालिसिस जो इशारा कर रहा है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एमसी एसेंशियल्स के अंदर कंपनी 29% से ही पास होती है, जो कि बहुत कम नंबर है। जहां पर कुछ क्वेश्चंस कंपनी के साथ किए जाते हैं, जैसे क्या कंपनी कंसिस्टेंसली प्रॉफिट बना पा रही है, नहीं। क्या कंपनी हर साल अपनी अर्निंग को इंप्रूव कर पा रही है, नहीं। क्या कंपनी की जो रिसेंट अर्निंग है उससे कुछ स्ट्रेंथ बढ़ी है कंपनी की, नहीं। क्या प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है कंपनी के, नहीं। क्या जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, यानी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्या उनको कंसिस्टेंसली प्रॉफिट्स मिल पा रहे हैं, नहीं। कभी प्रॉफिट्स देती है कंपनी, कभी नहीं। क्या कंपनी के ऊपर कर्ज कम है, नहीं, कर्ज भी बहुत ज्यादा है। क्या कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को मीट कर पाती है, नहीं। क्या कंपनी का जो रियल बिजनेस मॉडल है वहां से पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर 9 questions में से सिर्फ 1 question में कंपनी पास होती है। आगे बात करते हैं ओनरशिप की। क्या प्रमोटर्स ने 50% से ज्यादा होल्डिंग ले रखी है, बिल्कुल ले रखी है। क्या प्रमोटर्स ने शेयर को गिरवी रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। क्या इंस्टीट्यूट्स ने इस कंपनी में निवेश कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। तो ओनरशिप के मामले में 3 questions में से 1 question में कंपनी फेल हो जाती है, 2 में पास हो जाती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री कंपैरिजन में। क्या दूसरी कंपनी के हिसाब से कंपनी ग्रो कर पा रही है अपने आप को, नहीं। क्या प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रो कर पा रहे हैं, नहीं। क्या कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो और कंपनियों के मुकाबले अच्छे हैं, नहीं। यहाँ पर इंडस्ट्री कंपैरिजन में कंपनी पूरी फेल हो जाती है। अदर्स की बात करें, क्या 1 महीने के अंदर कंपनी के अंदर इनसाइडर सेलिंग हुई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या प्राइस मोमेंटम
थोड़ा ऊपर बढ़ाए, बिल्कुल बढ़ाए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस में कंपनी पास होती है। ओवरऑल कंपनी को 100 में से सिर्फ और सिर्फ 29% ही मिलते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी बिल्कुल फेल होती हुई नजर आ रही है। MC Insights के अंदर भी वीक स्टॉक इसको बताया जा रहा है। तो गाइस पूरी इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए तो हमें सिर्फ यही नजर आता है कि कंपनी के ऑर्डर की वजह से ये शेयर बहुत तेजी से बढ़ा है। और वही जो लोग फिर वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं, डेटा को देखते हैं कंपनी के, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए वो शेयर को बेचकर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसीलिए हमें शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूंगा, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई एजेंडा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, हमारा किसी भी तरह से कोई भी मकसद नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।